जो कुछ भी है उसका भी अस्तित्व मिट गया, अब कुछ भी नहीं रह गया है जिंदगी में। वीडियो ना बनाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा, कौन सपोर्ट करेगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, और एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे ब्लॉग में। इसके पहले वाला जो ब्लॉग है, आप लोगों ने उसमें ढेर सारा सपोर्ट किया और हमें समझने की कोशिश की या हमें समझा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने हमें गलत नहीं ठहराया, अभी तक जितने भी कमेंट हैं उसमें किसी ने भी हमारे बारे में कुछ गलत नहीं बोला, सभी ने हमें फुल सपोर्ट किया। और कुछ कुछ ने ये भी बोला कि आप फिर वीडियो क्यों बनाते हो, वीडियो मत बनाया करो। तो देखिए, हम वीडियो बनाते हैं तभी आप हमको जानते हो, हमारी पहचान है, कहीं ना कहीं वीडियो की वजह से ही आप लोग हमको जानते हो। और आज कहीं जाते हैं, चार लोग हमको पहचानते हैं, तो हम वीडियो बनाते हैं इसलिए हमें चार लोग पहचानते हैं। और अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो वो भी हमें भूल जाएंगे, हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी। बाई चांस कल को हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमारा सपोर्ट कौन करेगा? आप किसी अनजान इंसान का सपोर्ट थोड़ी करोगे, जिसे जानते हो आप उसका ही सपोर्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात है कि हम वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे हमारी हालत कैसी भी हो। और आप लोगों ने बोला कि अपनी माँ के पास रहो, अपनी सासू माँ के पास या अपनी खुद की मम्मी के पास रहा करो, तो हम इस समय अपने मायके में ही हैं। तकरीबन 1.5-2 महीने से हम अपने मायके में ही हैं, और सॉरी लगातार बोलने से मेरी सांस ऊपर नीचे हो जाती है, तो प्लीज इग्नोर करिएगा। और हम यही कह रहे थे कि हम अपने मायके में ही हैं इस समय, क्योंकि वहाँ ससुराल में इतनी सारी सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल भी है बहुत दूर है, अगर ज़रा सा भी तबीयत खराब हो जाता है तो वहाँ से हमको 9-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर है वहाँ पे हॉस्पिटल भी। और यहाँ मेरा मायका थोड़ा सिटी एरिया में पड़ता है, तो यहाँ पे 1.5-2 किलोमीटर के अंदर अंदर तो तकरीबन 4-5 हॉस्पिटल 6 हॉस्पिटल हैं, कई सारे हॉस्पिटल हैं और कई सारी सुविधाएं भी हैं इधर यहाँ पे। तो इसी सब की वजह से हम यहाँ पे हैं। और माँ हो या सासू माँ हो, दोनों से ही बराबर प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव है, कोई भेदभाव नहीं है, दोनों से बराबर प्यार मिलता है, दोनों फैमिली अच्छे से सपोर्ट करती है। बस अगर कोई कमी है तो वो सिर्फ मेरे हस्बैंड में है। कहते हैं ना कि अगर हस्बैंड सही हो तो ससुराल कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो वही है, सब कुछ सही हो के भी कुछ सही नहीं है। मेरे हस्बैंड, ऐसा नहीं कि वो वीडियो देखे नहीं होंगे, हम आपसे बता दें, पिछला वीडियो देख के भी अभी तक उन्होंने मेरे पास एक ना कॉल किया, ना मैसेज किया, ना मेरे कॉल का जवाब दिया। हम कितना भी कॉल कर ले, ऐसा लगता है उनको किसी ने कसम दी रखी हो कि मेरा फ़ोन रिसीव कर ही नहीं सकते। कुछ पूछने से, कुछ पूछो तो भी वो कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर शक करती हो, तो फिर कैसे कोई बात करे उनसे। ना कभी कुछ पूछो, ना कभी कोई जिम्मेदारी दो, क्या करें फिर। वो अगर पास रहेंगे भी तो उनको सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से मतलब रहता है, 24 घंटा सिर्फ फ़ोन में घुसे रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, सॉरी कुछ करते भी नहीं रहते, सिर्फ रील्स देखते रहते हैं और कोई मतलब नहीं रहता उनको। पूछो अगर फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया तो 10 बहाने बनाएंगे, 10 बहाने, फ़ोन साइलेंट था, ये था, वो था, या फिर साफ बोल देंगे नहीं किया। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, हमें नहीं समझ में आता। और यहाँ पे हम अपने माय बताए नहीं, अपने मायके में रहते हैं तो हम अकेले क्यों हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी छोटी सिस्टर, सभी लोग अपने अपने काम में जाते हैं, सब लोग ड्यूटी करते हैं, सब लोग अपने अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। इसी वजह से मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेरे साथ रहते हैं कि वो मेरे पास रहेंगे, घर पे नहीं रहते हैं, क्योंकि घर पे मम्मी पापा रोक टोक करेंगे, थोड़ा बहुत डांटेंगे, यहाँ पे कोई है नहीं डांटने वाला, अपने मन के मालिक हैं,
उनके सास ससुर कितना ही बोलेंगे, और बोल भी नहीं सकते ना, दामाद जी हैं वो, इसी बात का वो फायदा भी उठाते हैं। जो भी है, बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे ज़्यादा। आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया बहुत अच्छा हो लगा, और प्लीज़ हो सके तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, शायद आपके कमेंट से ही मेरे पति सुधर जाएं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी जैसे भी हैं वो मेरे पति हैं, क्या बोलें आप, इससे ज़्यादा तो बोल भी नहीं सकते ना। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि औरत है, औरत की ज़िंदगी यही है, तो हाँ ठीक है, औरत की ज़िंदगी यही है, और मुझे गर्व है औरत होने पे, क्योंकि हम देखते हैं हमारी माँ, हमारी सासू माँ दोनों ही हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, दोनों ही काम करने से कभी पीछे नहीं हटती, तो इसलिए हम भी उनको देख देख के यही सीखते हैं कि काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा हो, काम काम होता है, आपको हमेशा अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए, और तबीयत खराब होने का बहाना कभी नहीं बनाना चाहिए। तो हम जब हद से ज़्यादा हो जाता है तभी हम इग्नोर करते हैं, नहीं तो हम अपना काम करते रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करते, क्योंकि वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, जब तक बर्दाश्त कर पाते हैं तब तक करते हैं। और प्राउड फील होता है हमें, हमारी माँ हमारी सासू माँ दोनों पे हमको प्राउड है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है उन लोगों से। तो आप लोग प्लीज़ गलत मत समझिएगा, और बाकी हम आप कमेंट करिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो क्या ही बनाए हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको बहुत थकान भी लग रही है और बोल भी नहीं पा रहे हैं हम, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा।